वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, अभी भी मैं बाहर से आई हूँ और अभी मैं बनाने वाली हूँ डिनर। तो उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ वेज बिरयानी। उस दिन हम लोगों ने न्यू ईयर के दिन मतलब बनाई थी, आज वही जो बिरयानी की रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। उस दिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी वो बिरयानी की रेसिपी, तो इसी वजह से आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज जो बिरयानी मैं बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ राइस कुकर में। तो जिनके जिनको राइस कुकर यूज करना नहीं आता है तो वो राइस कुकर यूज करना भी सीख लेंगे इससे, और राइस कुकर में बिरयानी कैसे बनाई जाती है तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो चलिए फिर आज बनाते हैं बिरयानी, और वो भी राइस कुकर में। और राइस कुकर में बनाने का ये फायदा है कि राइस कुकर में ना झट से कोई भी चीज बन जाती है। मतलब चावल अगर आप डेली खाते हो, मतलब आपकी साइड में अगर चावल डेली खाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ साइड में डेली चावल खाते हैं, मतलब बंगाली वगैरह भी खाते हैं डेली चावल, इजी बहुत होता है राइस कुकर में चावल बनाना। राइस कुकर ना कन्वीनियंट होता है चावल बनाने के लिए, बहुत ही जल्दी चावल बनता है और बहुत ही खिला खिला चावल बनता है राइस कुकर में। तो इसी वजह से मैंने राइस कुकर परचेस किया है, और मैंने सोचा चलो आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ, मतलब इसमें कोई भी चीज कैसे बनानी है वो भी शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी बिरयानी बनाना, और आपको मैं दिखा देती हूँ कि कैसे बिरयानी बनाई जाती है। यहाँ पर हमें जो वेज बिरयानी के लिए वेजिटेबल चाहिए होंगे वो मैंने यहाँ पर काट के रख दिए हैं। सबसे पहले लिया है प्याज और उसे लंबा लंबा काट लिया है, और फिर लिया है टोमेटो, उसे मीडियम साइज़ के पीसेस में काट लिया है, और फिर है यहाँ पर फ्लावर, और उसके बाद लिया है आलू एक, और उसके बाद बीन्स है, फिर गाजर है और मटर है। ये सारे वेजिटेबल्स हमें चाहिए होंगे वेज बिरयानी के लिए, और वो सब मैंने काट के रख दिया है। और आपको जो पसंद है वो भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने लिए है वही ऐड करने हैं आपको। और यहाँ पर तेज़पत्ता लिया है, और उसके बाद यहाँ पर ली है दालचीनी, और उसके बाद काजू लिए है, कुछ काजू के हाफ पीसेस कर लिए है, और उसके बाद इलायची ली है, और उसके बाद लिए है लौंग कुछ तो, और यहाँ पर लिए है मैंने बासमती चावल। तो ये वाला जो कप है मेजरमेंट के लिए इसी वाले राइस कुकर में आता है, और इसी कप के मेजरमेंट से आपको राइस लेना होगा। मतलब आप जितना लोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसी के मेजरमेंट से पानी ऐड करना पड़ेगा, इसी वजह से आपको इसी कप से मतलब राइस लेना होगा। तो इस तरह से इसमें एक स्पून भी आता है, तो जिसमें डॉट डॉट बने होते हैं जिससे ना राइस चिपकता नहीं है। अगर राइस लेने के लिए वो स्पून आप यूज़ करोगे तो उससे राइस टूटेगा भी नहीं और चिपकेगा भी नहीं, तो इस तरह से वो स्पून दिया होता है। उसके बाद इस तरह से हमारा दिखता है ये 11 का राइस कुकर, इलेक्ट्रिक राइस कुकर। तो इसमें आपको दो पॉट मिल जाएंगे, एक पॉट छोटा है थोड़ा सा, और ये पॉट बड़ा है। तो ये 1.8 लीटर का राइस कुकर है, और इसमें एक हीटिंग प्लेट नीचे दी होती है, और उसके ऊपर ये पॉट रखना पड़ता है आपको। तो मैं आगे बताती जाऊँगी कि क्या क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी। और इसमें ना दो कुकिंग मोड दिए हैं, मतलब एक कुक और एक वार्म, तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा जब आपका राइस कुक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और वार्म पे चला जाएगा। तो इस तरह से मैनुअल बुक दिया होता है, इसमें आप पढ़ के इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको इसे यूज़ कैसे करना है वो भी बता दूंगी। 1.8 लीटर का ये इसकी कैपेसिटी है, और 700 वॉट का ये है, और उसके बाद इसकी 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है आपको साथ में इसके। उसके बाद ये पॉट मिलता है आपको, जो थोड़ा सा छोटा है, जो मैंने पॉट लगाया है उससे थोड़ा छोटा है ये, तो ये वाला पॉट मिलता है। मतलब दो पॉट मिलते हैं आपको, अगर ये एंगेज हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये जाली वाली प्लेट मिलती है आपको, जो प्लेन राइस बनाने के टाइम यूज़ होंगी, और वो पॉट में रखनी पड़ेंगी, और उसके ऊपर आपको राइस डालने पड़ेंगे, तो आपके राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर बिरयानी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर घी डाला है पैन में, और मतलब पॉट में, सॉरी पैन में बोल रही हूँ, पॉट में घी डाला है। और अभी ये घी जब पिघल जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा राई और जीरा ऐड करूँगी। जब राई चटकने लगे तो उसके बाद आपको ऐड करना है उसमें जो खड़े मसाले हमने निकाल के रखे थे वो ऐड करने हैं। तेज़पत्ता पहले ऐड करना है, और उसके बाद जो हमने सारे खड़े मसाले ऐड किए, मतलब जो निकाल के रखे थे वो ऐड करने हैं, लौंग, इलायची और दालचीनी, वो ऐड कर देनी है हमें, और जो काजू है वो बाद में ऐड करने हैं आपको। तो इस तरह से ऐड कर देनी है, और इसके जो मतलब काफ़ी अच्छे से चला लेना है इसे घी में, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो पूरा घी में आ जाए। और उसके बाद आपको उसमें प्याज ऐड करना है, और हमने यहाँ पर लंबा लंबा प्याज काट के रखा था वो प्याज ऐड करना है। उसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको भून लेना है उसे। और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो भी हमें अच्छे से भून लेना है, ताकि उसकी कच्ची स्मेल जो है वो चली जाए। और अच्छे से भून लेना है सारे मसालों को। और यहाँ पर
पर जब तक ये मसाला भूनता है तब तक मैं राइस जो है वो वॉश करके रख दूँगी। उसके बाद आपको हरी मिर्च काट के लंबी लंबी काट के उसमें ऐड करनी है, मतलब एक हरी मिर्च के दो टुकड़े करने हैं और उसे ऐड करने हैं उसमें, और अच्छे से ये करना है, मतलब उसे भी चला लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एवरेस्ट का बिरयानी मसाला, तो वो मैं एक चम्मच बड़ा एक चम्मच यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हल्दी, मिर्च पाउडर और उसके बाद धनिया पाउडर ऐड करना है आपको, और मिर्च पाउडर जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, और धनिया पाउडर ऐड कर देना है और उसको भी अच्छे से चला लेना है उस सारे मसालों को। और उसके बाद हमने जो वेजिटेबल काट के रखे थे वो हमें ऐड करने हैं इसमें, तो सारे वेजिटेबल पहले टोमेटो ऐड करना है ताकि थोड़ा सा गल जाए टोमेटो, उसके बाद हमें सारे वेजिटेबल्स ऐड करने हैं जो भी हमने काट के रख दिए थे यहाँ पे, और टोमेटो थोड़ा सा गल जाएगा तो उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किया है गाजर, मटर, बीन्स और आलू और गोभी, तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है। उसके बाद जो हमने साइड में काजू निकाल के रखा था वो भी हमने उसमें ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से चला लेना है ताकि इसमें सारे मसाले लग जाए। और उसके बाद इसे स्टीम आने के लिए हमें इसे ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए, और मतलब जब तक ये सब्जियां नहीं पकती है तब तक आपको इसे स्टीम आने के लिए रख देना है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और पुदीना पत्ता ऐड कर दें और इसे ढक के रख देंगे हम लोग ताकि ये सब्जियां सारी पक जाए, और उसके बाद हम लोग उसमें राइस ऐड करेंगे। बस थोड़ी देर के बाद हम लोग इसे चेक करेंगे, और यहाँ पर मेरी जो सब्जियाँ है वो पूरी मतलब पक चुकी थी, तो यहाँ पर मेरी सब्जियाँ आप देख सकते हो पूरी पक चुकी थी, तो मैंने राइस में जो है वो पानी ऐड किया है, मतलब यहाँ पर मैं 1 कप मैंने चावल लिए थे तो मैंने 3 कप पानी लिया है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा 3 कप कम ही था, बट चावल के अकॉर्डिंग आपको मतलब चावल कौन से यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है आपको। वैसे 1 कप के लिए 3 कप मेजरमेंट रहता है पानी का, तो इस तरह से आपको पानी ऐड करना है। और उसके बाद आपको चावल में सारे वेजिटेबल जो है वो मिक्स कर लेने हैं, और उसके बाद आपको ऊपर से पुदीना पत्ता भी ऐड करना है। बस इस तरह से पुदीना पत्ता ऐड करोगे और उसके बाद आपको लीड लगा रख देनी है, तो बस जब ये चावल मतलब हो जाएगा पक जाएगा तब ऑटोमेटिकली आपका कुकर बंद हो जाएगा और वार्म मोड पे चला जाएगा। अगर आपका कुकर बंद हो जाए वार्म मोड पे चले जाए तो उसके बाद आपको 10 मिनट के बाद आपके कुकर को ओपन करना है, 5 या 10 मिनट के बाद ओपन करना है, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मतलब खिली खिली सी बिरयानी बनी है। और बस इसके ऊपर मैंने धनिया पत्ता ऐड कर दिया है गार्निशिंग के लिए, और अभी मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब टेस्टी दिख रही है बिरयानी, देखने से ही टेस्टी दिख रही है बिरयानी। सो गाइस आप देख सकते हो बिरयानी बिल्कुल रेडी है हमारी, और कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है आप देख सकते हो, मुझसे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड, सच में जैसे आप पतीले में बनाते हो या कुकर में बनाते हो उससे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है गाइस, मतलब उस दिन न्यू ईयर के दिन जितनी बनी थी उससे भी ज्यादा टेस्टी बनी है ये वाली बिरयानी। सच में मैंने अब तक सुना था बट आज टेस्ट भी कर लिया कि कैसे बनती है राइस कुकर में, मतलब राइस या कोई भी बिरयानी वगैरह, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, बहुत यम्मी बनी है, आप जरूर ट्राई करना। अगर आपको इसे परचेस करना है अग्यारू के इलेक्ट्रिक राइस कुकर को, तो आपके लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, और ट्रस्ट मी गाइस काफी ज्यादा अच्छा है ये अग्यारो का इलेक्ट्रिक राइस कुकर, और मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। एक्चुअली इससे पहले भी मैंने अग्यारो के अप्लायंसेस यूज किए हैं और मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, मतलब अभी तक उन अप्लायंसेस से मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है वो, तो इसी वजह से मैं आपको श्योरली बता सकती हूँ कि ये वाला जो कुकर है वो काफी ज्यादा अच्छा निकलेगा, इसी वजह से मैंने इस बार भी ये अग्यारो का राइस कुकर परचेस किया है और मुझे ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, और इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है, तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।